शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ हाँ पापा, मम्मी जी और पापा जी दोनों को चाय दे दी है जी। अब बस नाश्ते और खाने की तैयारी करूंगी। तबीयत भी ठीक है पापा। अच्छा पापा, बहुत काम है, मैं आपको बाद में फोन करूं। ये दो दवाइयाँ कैसे? मेरा बैग और लैपटॉप कहाँ गया? ये तो बुखार है। हे भगवान, सूरज सर पे चढ़ रहा है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। अरे ये सारे कीर्ति के लक्षण हैं और हमने तुमसे पहले ही कह दिया था भाई कि कीर्ति की परछाई भी ना इस घर पे नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मम्मी जी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। फिर तबीयत शता बेटा, आज ना नाश्ते में कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जुबान जैसे चटकारे ले रहा हो। नैना भाभी के साथ हमें कुछ काम है तो हम आते हैं, तब तक तुम चटपटा नाश्ता बना दो, हम अभी आते हैं, ठीक है? ओहो भाभी, अगर हम झूठ बोले तो हमें कौवा काटे। तो अब गजबे लग रही है, मानना पड़ेगा आपकी बहू की पसंद को। क्या बात है, सूरज आज कहां से निकला? सुबह सुबह तनु भाभी के दर्शन जो हो गए। तनुजा, तुम सुबह सुबह यहाँ नीचे कैसे? अरे भाभी, खबर ही ऐसी है कि हमने सोचा कि हम खुदा के दे दे। अभय को फिर से नौकरी मिल गई। हमारा मतलब है कि उस दिन आप कह रही थी ना कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुद ही सुनाने चली आई थी, तो हमें लगा इस बार भी वही खुशखबरी होगी। वैसे ऋतु, अभय को ना नौकरी नहीं मिली है। ऐसा है कि अब अभय लोगों को नौकरी देगा। अरे हमारा अभय बिजनेस करेगा, बिजनेस। अरे भाभी क्या हो गया, आपके होश कहाँ उड़ गए? वैसे भाभी, श्रद्धा के घर वाले लोग ना बहुत ही अच्छे हैं। अरे सक्षम भाई साहब खुद घर आए थे और 10 लाख का चेक श्रद्धा और अभय को देके चले गए शादी के तोहफे के तौर पे। हाँ हमें तो लग रहा था कि धमाके के लिए सुतली बॉम्ब सिर्फ हमारे पास है, पर तनुषा भाभी ने तो बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़कर डबल धमाका कर दिया सही मौके पे। अरे भाभी क्या हो गया, कल तक तो आप बहुत परेशान थी अभय के लिए और अब जब खुश होना चाहिए तो लग रहा है जैसे आपके मुंह पे ताला लग गया हो। तनुजा, ताला लगे हमारे दुश्मनों के मुंह पे। वो क्या है ना, अभय को तो पैसों की जरूरत है, नौकरी नहीं है ना उसके पास। लेकिन वरुण के पास तो नौकरी है, वो हर महीने 2 लाख रुपए कमाते हैं। और देखिए ना, कल ही वरुण और कीर्ति हमारे लिए ये साड़ी लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या, बच्चों ने शॉपिंग की और देखिए भाभी के लिए इतनी प्यारी साड़ी लेकर आए हैं। ओहो ये वाली, मानना पड़ेगा भाभी
आपकी बहू की पसंद तो गजब है। हाँ, कितनी सुंदर साड़ी है, और ये पल्लू तो देखिए कितना अलग है। वाह 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 वाह, भाभी आपकी बहू की नजर तो सच में पार की है। अरे छेद है पल्लू में। वही हम सोचे कि कीर्ति अपने अलावा किसी और के बारे में कैसे सोचने लगी। भाभी बहुत बड़ा छेद है साड़ी में। अब भाभी हमको लगता है ना कि आपकी बहू छांट छांट कर सबसे सस्ता माल, हमारा मतलब है सबसे सस्ती साड़ी सेल में खास आपके लिए लेके आई है। हाँ, अब भाभी अच्छा सुनिए, हम जाते हैं क्योंकि श्रद्धा ना हमारे लिए कुछ चटपटा बनाने वाली है, ठीक है? जाइए जाइए भाभी, असली मसाला तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। ये क्या किया आपने? बहुत प्यार से और कई सारी साड़ियां रिजेक्ट करके ये साड़ी लाई है आप अपनी सास के लिए। हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सच में कीर्ति बहुत प्यार से लेकर आई आपके लिए साड़ी। तो मतलब कीर्ति का प्यार भी इस साड़ी की तरह बिना किसी काम का और खराब निकला, क्योंकि इतनी सारी साड़ियों में से जो कीर्ति ने हमारे लिए साड़ी चुनी है उसके पल्लू में छेद है। ये देखिए, सबसे बेहतरीन साड़ी लाई थी ना आप हमारे लिए, ये है आपका बेहतरीन। सस्ते दामों में सेल में सास को खुश करने के लिए कुछ मिल जाए तो बेहतरीन ही होगा ना। मम्मी जी, हम क्यों करेंगे ऐसा? हम क्यों लाएंगे आपके लिए छेद वाली साड़ी? हमने तो सोचा था गिफ्ट देंगे तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी। आप साड़ी लाई हैं हमारे लिए, हमारे बेटे के पैसों से खरीद कर लाई हैं, और आप कह रही हैं कि आप साड़ी लाई हैं हमारे लिए। अगर इतना ही प्यार है ना तो ये आपकी साड़ी हम ले लेते हैं। वाह, 12,000। सास के लिए घटिया और खराब माल और खुद के लिए इतने महंगे कपड़े, नहीं चाहिए हमें आपकी कोई भीख। हमारे गिफ्ट को आप भीख कह रही हैं मम्मी जी? ठीक, तो हम भी आपको बता दें कि भीख नहीं, आपकी जलन है। आपको तकलीफ होती है ना कि आपका बेटा हमें शॉपिंग कराता है? बांट नहीं पा रही है ना आप अपने बेटे को? आपको हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है। दिमाग खराब हो गया है आपका? आपके पति वो आज बने हैं लेकिन हमने उनको पैदा किया है, बेटे हैं वो हमारे। जब भी जो भी चाहिए ना हक से मांग सकते हैं हम। कि आप ये भूल रही हैं कि हमारे पति हैं, और आप अभी जहां खड़ी है ना वो हमारी छत के नीचे खड़ी है। ये सब क्या बातें हो रही? मम्मी आप जाने दीजिए ना, इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे? अरे कीर्ति ने सच में नहीं देखा होगा कि साड़ी में छेद है। कीर्ति ने नहीं देखा होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन आपकी आंखों पे कीर्ति के नाम की पट्टी जरूर बंध गई है। मुझे तो वो दिन जिस दिन आपकी और कीर्ति की शादी हुई थी किसी श्राप से कम नहीं लग रहा।
पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने आप दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी थी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।